आज प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह करोड़ों हिंदुओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। समग्र संसार के सनातनियों ने जिस प्रकार से असंख्य कुर्बानियां देकर राम मंदिर बनवाया है, निश्चित ही आज उनको याद करने का दिन है। आज हर्ष का दिन है। उन सनातनी हिंदुओं और सिखों को क्या कहा जाए जो धरती के एक टुकड़े के लिए 500 साल तक संघर्ष करते हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को जो हर प्रकार की यातना और दुख उठाने के उपरांत भी धरती के उस टुकड़े पर अपना अधिकार ना विस्मृत करते हैं और ना ही छोड़ते हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को जो मुगल बर्बरता, विदेशी आक्रांताओं की दास्ता और सदियों के नरसंहार के बाद भी इसी आस पर जिए जाते हैं कि एक दिन धरती का वह टुकड़ा वे पुनः प्राप्त अवश्य करेंगे। राम जन्मभूमि की मुक्ति का संघर्ष मानव इतिहास के गिने चुने संघर्षों में से एक है जो 5 सदी तक अनवरत चला। इन 500 वर्षों में अधिकांश समय ऐसा था जब दूर दूर तक कोई आशा भी न थी कि राम जन्मभूमि को हिंदू पुनः प्राप्त भी कर सकेंगे। मुसलमानों का राम जन्मभूमि पर इतना एक तरफा और बर्बर कब्जा था कि किसी भी प्रकार की आशा लगाना हास्यास्पद और कल्पना के विपरीत था। न सिर्फ विदेशी आक्रांता बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और भारत के शीर्ष इतिहासविद भी इस हिंदू मान्यता के विपरीत थे कि भगवान राम का जन्म इसी पवित्र भूमि पर हुआ था। इतनी घोर विपरीत परिस्थितियों व वामपंथी षड्यंत्रों के बीच भी किस प्रकार हिंदू जनमानस ने राम जन्मभूमि पर अधिकार को नहीं छोड़ा, समकालीन मानव समाज के लिए यह एक अद्भुत प्रसंग है। आज भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन यह कैसा आग्रह था, यह कैसी हठधर्मिता थी हिंदुओं की, यह कैसा अनोखा संकल्प था कि चारों ओर से विकराल आंधियों में घिरे होने के उपरांत भी हिंदू हृदय में इस नन्हे से दिए की लौ टिमटिमाती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे। सेना में या गांव में आज भी अपने से बड़ों को राम राम कहकर अभिवादन किया जाता है। जन्म के समय के मंगल गीत से लेकर विवाह संस्कार व चिता की अग्नि में शरीर के समर्पण तक राम नाम का सत्य ही हिंदुओं का उद्घोष बन गया। संसार का कोई आक्रमण हृदय में बैठे राम को नहीं मिटा सकता था। यह सत्य हमारे पुरखों को ज्ञात था तथा इस तथ्य का भरपूर उपयोग हमारे पुरखों ने धर्म की रक्षा हेतु किया। हमारे पुरखे और हम काल को जीतने वाले राम के उपासक हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, साधु सत्य पराक्रमः। राम ही धर्म है, राष्ट्र के भी और लोगों के भी। इस्लामिक आक्रांताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों मंदिरों को धूल धूसरित कर उन पर मस्जिदें खड़ा की, पर हमारे ऋषियों, मठाधीशों व गुरुओं ने 3 पवित्रतम स्थान पर काल की धूल नहीं जमने दी। वे थे शिव की काशी, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि व राम जन्मभूमि। हिंदुओं के लिए ये 3 स्थान कभी महज भूखंड नहीं बल्कि सनातन हिंदू धर्म का मर्म स्थल रहे हैं। हिंदू जनमानस सब आक्रमण सहकर भी इन भूखंडों पर समझौते को कभी राजी नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जैसे भक्त कवियों ने अपने कविताओं द्वारा राम को जीवित रखा। विभिन्न जातियों के हिंदुओं ने एक सनक की तरह श्री राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के अधिकार को तिरोहित नहीं होने दिया, क्योंकि अपने अंतर्मन में हर हिंदू यह बात जानता था कि श्री राम व राम का नाम हिंदू धर्म की आत्मा है। राम गए तो हिंदू धर्म नहीं बचेगा। मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह चमत्कार उस अज्ञात हिंदू के कारण हुआ जिसकी सहर्ष श्रद्धा को कोई विदेशी आक्रांता, कोई प्रताड़ना नहीं चुका पाए। वह अज्ञात हिंदू जिसने अपने बच्चों को बाबरी मस्जिद के नीचे राम जन्मभूमि होने का विस्मरण नहीं होने दिया। वह अज्ञात हिंदू जो सतत इसी राम जन्मभूमि के पास रामलला की पूजा करता रहा। वह अज्ञात निहंग सिख जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में राम जन्मभूमि पर सशस्त्र आक्रमण कर उसे मुक्त किया। वह अज्ञात हिंदू जिसने ब्रिटिश राज्य के सामने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए मुकदमे दर्ज किए। वह अज्ञात हिंदू जिन्होंने विभाजन के समय सफल नेतृत्व देकर राम जन्मभूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं होने दी। मंदिर बनाया उस अज्ञात हिंदू कार सेवक ने जो लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचे मुलायम सिंह की पुलिस के द्वारा गोलियां व लाठी खाकर वीरगति को प्राप्त हुए। वे अज्ञात हिंदू जिसने 125 रुपया व 1 ईंट अपने घर से अयोध्या भेजी थी। इन्हीं अज्ञात हिंदुओं के सामूहिक चैतन्य व त्याग के फलस्वरूप आज राम जन्मभूमि पूर्णतया मुक्त हो गई है। आज यह मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह मंदिर
प्रतिबिंब है सनातनियों के अदम्य साहस का। यह एक प्रतीक है कि किस प्रकार विश्व में प्रताड़ित होने के उपरांत भी अपनी खोई हुई धरोहर को पुनः अर्जित किया जा सकता है। सारे विश्व के हिंदुओं के लिए यह श्रद्धा, आशा और शौर्य का दिन है। संसार के समस्त सनातनियों के लिए 22 जनवरी का दिन उत्सव मनाने का दिन है, अभिनंदन का दिन है। यही समय है कि हम अपने दृढ़ निश्चय को पहचानें, सनातन धर्म के प्रति खूब आस्था को पुनः इंगित करें। वह आस्था, वह श्रद्धा जो हमारे रक्त और हमारी हड्डियों में समाई हुई है, हमारे वेदों, शास्त्रों, सद्गुरुओं व कर्मकांडों ने हमारे चित्तों में एक अखंड ज्योति का एक बीजारोपण किया है जो कितनी भी छीण हो गई हो पर बुझाई नहीं जा सकती। वह ज्योति जो हर बार गिरने के बाद हमें फिर संभल कर खड़ा होने को उद्यत करती है। हमें मूर्ति पूजक कहकर हमारा उपहास करने वाले मतांधों को भी हिंदुओं ने दिखा दिया कि हम उस रिक्त स्थान के लिए भी कट मर सकते हैं और फिर लड़ते लड़ते छीन भी सकते हैं। राम जन्मभूमि का मामला एक आपराधिक नरसंहार था जिसका एकमात्र लक्ष्य हिंदुओं के धर्म और संस्कृति का समूल नाश था, लेकिन हिंदुओं ने अपनी संस्कृति का नाश नहीं होने दिया। संसार के सबसे क्रूर व धनी हत्यारों और सबसे धूर्त वामपंथियों के चंगुल से राम जन्मभूमि को छुड़ाना ऐसे ही है जैसे मगरमच्छ के मुंह से उसका निवाला छीनना। हिंदुओं ने अपने सामूहिक चेतना व आग्रह के दम पर असंभव को भी संभव कर दिखाया है। अब यह बात बिल्कुल सत्य हो गया है कि जब तक आकाश में सूर्य उदय हो रहा है, सनातन हिंदू धर्म जीवित रहेगा। आज समझ आया कि राम का तत्व ही वह सत्य है जो काल की गति को पराजित कर पुनर्जीवित हो सकता है। राम का तत्व ही वह शाश्वत धारा है जिसने हिंदू समाज को विषम से विषम परिस्थिति में भी स्पंदित व जीवित रखा है तथा सदैव रखेगी। इसलिए अंत में भगवान राम का मंदिर बनने पर समस्त हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। जय श्री राम।